Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max Hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Crash Part 1, New Delhi. आज हमारे पास जो एक बच्ची है पूजा 22 year old और वेरी ब्राइट गर्ल, तो इस बच्ची ने हमें अप्रोच किया था 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने हो गए। यस सर। और वो चाहती थी कि उनके पेट से चर्बी हटाई जाए, लाइपोसक्शन किया जाए और वो चर्बी को यूज़ करेंगे हम, उसके हम जो उनके हिप्स को और अच्छा बड़ा साइज दे सकें, उसको अच्छी कंटूर दे सकें। तो आज जब वो 3 महीने बाद आई तो मतलब शी सच ए लवली एंड एनलाइटेंड सोल कि उन्होंने खुद हमसे कहा कि मैं अपने बारे में आपके दर्शकों से बात करना चाहूँगी और उनसे शेयर करना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस। तो ये बहुत कम लोग होते हैं, मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे जो अपने इंटीमेट सर्जरी के बारे में डिस्कशन करने चाहे विद देयर फेसेस ऑन, जो पब्लिकली बोल सकें, अपना फेस दिखा सकें। तो जब इन्होंने कहा तो हमें भी लगा कि एक अच्छा मौका है जिसमें कि इस तरह का पेशेंट आपके साथ डायरेक्ट मुखातिब हो, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करे। तो इसलिए दैट इज़ व्हाई शी केम हेयर एंड वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो पूजा बच्चे, आपको ये जो था ये प्रॉब्लम थी, इसको आपने सॉल्यूशन कैसे ढूंढा आपने इसके बारे में? मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी कि मेरे को लगता था कि मेरे को भी परफेक्ट बनना है। काफ़ी टाइम मैंने यूज किया, मतलब जिम जाना भी मतलब स्टार्ट किया, लेकिन जो मेरा बेली फैट पे यहाँ पे जो लाइपोसक्शन जैसे कराया है ना, यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होता था, ये वाला फैट नहीं जाता था। डाइटिंग करने से भी नहीं गया, जिम करने से भी नहीं गया। तो काफ़ी सारा सर्च किया गूगल पे भी, यूट्यूब पे, तो मेरे को सबसे बेस्ट वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे तो काफ़ी सर नेचुरली मतलब तरीके से समझाते कि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे लाइपोसक्शन आपका हुआ है, कैसे आप उसको बेटर बना सकते हो। और बिना किसी परेशानी के सर ने बहुत ही अच्छे से मेरा ऑपरेशन किया और मैं अभी बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट्स के साथ। अभी मेरा बेली फैट बिल्कुल भी नहीं है और जो बैक साइड BBL जो मैंने कराया उसका भी शेप काफ़ी अच्छा है। ये जो आपने जो कराने का जो फैसला लिया, उसके पहले आपके मन में किसी तरह की कोई हीन भावना थी या ऐसा कुछ लगता था कि मेरे में कुछ कमी है और जिसके लिए मुझे कराना चाहिए, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको मानसिक तौर से प्रताड़ित करती थी जिसके लिए आपने ये सॉल्यूशन ढूंढा? मुझे लगता था कि मैं दूसरे लड़कियों को देखते थे कि उन लोग का मतलब बॉडी कितना अच्छा है, मैं कितना सारा अपने ऊपर इफेक्ट कर रही हूँ, मतलब एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइटिंग भी कर रही हूँ, फिर भी जो मुझे शेप सही वो नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं मतलब अपना लाइफ सेक्शन कराऊँ और एक मेरे को न्यू लाइफ मिले। तो ये जो आपने जो सर्जरी कराई, तो इसके बाद सर्जरी का इससे आपको क्या एक्सपीरियंस, आपको लगा कि कोई ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ, ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, या आपकी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी कैसी रही, या आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, इस बारे में कुछ आप दो शब्द बोलना चाहेंगी? ज़्यादा तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं और पेन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सर टैबलेट देते हैं 7 days का, वो आप ले सकते हो अच्छे से और वापस से अपनी डेली रूटीन में जा सकते हो। 1 week में आप अपना मतलब आराम से जैसे आप पहले काम करते थे वैसे कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं एक चीज़ और बच्ची आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो अपने बॉडी कंटूर है जहाँ पे बदले हैं उसको आप अपने कपड़ों में कुछ जो कुछ शेयर कर सकेंगी अपने हमारे दर्शकों के साथ, खड़े हो गए या बता सकेंगी, ताकि इनके मन में एक और कुछ कॉन्फिडेंस आए। यहाँ इस वाले हिस्से का मैंने कराया है लाइपोसेक्शन, यहाँ का इस साइड भी और यहाँ भी हुआ था। ये फैट जो निकाला हुआ था सर ने पीछे मतलब डाला हुआ, इसका BVL किया हुआ है तो आप देख सकते हो रिजल्ट्स पहले के भी पिक्स है जो मैं शेयर कर दूंगी। जैसे आपसे कहा कि ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि इस तरह के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आपको, तो आप ओवरऑल अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, मतलब ये सेफ सर्जरी है, इसमें कोई आपको खतरा तो नहीं लगा, या आपको कहीं पे इस तरह की प्रॉब्लम हुई कि कहीं पछतावा तो नहीं हुआ पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में कि मैं क्या करा बैठी? नहीं, ये बिल्कुल सेफ सर्जरी है, मतलब कोई भी अगर अपनी बॉडी से खुश नहीं है, उसको लगता है कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और नॉर्मल लाइफ मतलब हेल्दी लाइफ जो रहता है वो मतलब कर सकता है सर्जरी, एंड जिसको भी अपने मतलब बॉडी जो सेफ रहता है उससे सेम लगता है कि हमारा बॉडी ऐसा होना चाहिए तो वो बिल्कुल जाके सर्जरी करा सकता है। और सर्जरी के लिए एक बार भी नहीं सोचना है, सर के पास आइए, सर बिल्कुल सेफली आपको ट्रीट करेंगे और एकदम बेस्ट रिजल्ट आएगा। मैं एक चीज़ बच्चे आपसे और पूछना चाहूँगा पूजा जी, कि आप हमारे देखिए हमारी क्या इंडियन कल्चर है जिसमें माता पिता के साथ जो लड़कियाँ बात नहीं कर पाती हैं, कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हैं, हमने कई बार देखा है जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन केस में होता है, तो वैसे ही अगर कोई बच्ची अपने हिप का ऑगमेंटेशन कराना चाहती है, बटर्स को अच्छा शेप देना चाहती है, लेकिन माता पिता से उसको शेयर करने में कुछ
हिचकिचाहट होती है, कुछ डर हो रहा, तो उनके उसके बारे में आप उनको कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे, उनको एडवाइस देना चाहेंगे इस बारे में? मेरी एडवाइस तो यही है गर्ल्स के लिए कि जिंदगी एक बार मिलती है, सो गाइस आप लोग को ना सोचना नहीं है, आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो आपको करना चाहिए, एंड थोड़ा सा बोल्ड बनिए एंड अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए, और जैसा आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। और मैंने भी देखा है, मैंने बच्चों को कई बार एडवाइस भी किया कि जो जो बच्चियां होती हैं जो पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकती हैं अपने हिप्स के बारे में, फैट ब्रेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे कहता हूं कि आप अपनी पहले अपनी मदर से बात करें, फिर उनके थ्रू आप फादर को अप्रोच करें, बट आपको जो प्रॉब्लम है आपको उसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप सफ़र कर रही हैं, और पेरेंट्स अगर नेचुरली एक जनरेशन गैप हमेशा रहता है, हर जनरेशन में गैप होता है, तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, उनको समझाइए कि भाई ये चीज़ें अवेलेबल हैं और मैं ऐसा कराना चाहती हूँ, मुझमें ये हीन भावना है, तो आई एम श्योर कि अगर पेरेंट्स आपके पढ़े लिखे तो होंगे ही, लेकिन अगर थोड़े भी सेंसिटिव हैं तो दे विल अंडरस्टैंड कि वो चाइल्ड की प्रॉब्लम है। तो बेसिक चीज़ जो है जो पूजा जी कह रही हूँ मैं भी कह रहा हूँ, वो ये है कि आपको डिस्कस करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, जो बहुत ही क्लोज हम पेयर मदर फादर्स करें, आपकी सिस्टर है उनके थ्रू कराएं, तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, और आई एम श्योर कि पूजा जी को भी लग रहा होगा कि आपको ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। आपको अब लगता है आपको जो आपने सर्जरी कराई उसका आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ फर्क आया है, या अब नाउ यू आर मच बोल्डर? पहले जो मुझे लगता था कि मैं कपड़े वगैरह पहनती थी कि मुझे नहीं लगता कि शायद ये कपड़े मेरे लिए है, अभी ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी वेयर कर सकती हूँ, और वो परफेक्ट लगता है। सो यू फील कि इट वाज वर्थ अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ सर्जरी? यस सर। कुछ चीज आपने कराया, इसने आपकी पर्सनैलिटी को वाकई बदल के रख दिया है? यस सर, ऑलमोस्ट मतलब एकदम मैजिकल चेंजेस जो होते हैं ना सर, वो यही है कॉस्मेटिक सर्जरी। तो आई थिंक सबको ऐसा ट्राई करना चाहिए, जिसको भी लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस उसको चाहिए है, उसको परफेक्ट बनना है, तो बिल्कुल उसको मतलब सर्जरी के लिए सोचना चाहिए। सो आई थिंक ये दिस इज कमिंग थ्रू हॉर्सेज माउथ, हम ये कह सकते हैं कि भाई उनके ये एक ऐसे व्यक्ति जिसने खुद कराया, वो आपके साथ अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई शंका है, तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें, और हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।